हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात सीमा पर उड़ रही लॉकडाउन नियम कानून की धज्जियां, मीडिया कर्मियों के साथ भी हो रही बदसलूकी, प्रशासन से शिकायत, स्क्रीनिंग के नाम पर लोगों को किया जा रहा प्रताड़ित, मीडिया कर्मियों को भी खड़े रखा, वलसाड कलेक्टर ने किया दोषी कार्मिक के विरोध कार्यवाही के लिए निर्देशित। लॉकडाउन के दौरान जहां एक तरफ देश की जनता को सर्वत्र नियम कायदों की पालना करवाने निर्देशित किया जा रहा है, वहीं गुजरात प्रांत की सीमा पर नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। गुजरात प्रांत के वलसाड जिले से सटी भिलाड चेक पोस्ट पर तो सरेआम प्रधानमंत्री मोदी की ओर से निर्धारित नियमों को ताक पर रखकर जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग को जहां सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है, वहीं भिलाड चेक पोस्ट पर इसी सोशल डिस्टेंसिंग एक मजाक बनकर रह गया है। शनिवार को जागरूक टीवी के प्रतिनिधि ने यहाँ के तमाम नजारे को अपनी आंखों से देखा। इतना ही नहीं, यहाँ मीडिया कर्मियों को भी स्क्रीनिंग के नाम पर घंटों कतार में खड़ा रखा गया, जबकि मीडिया कर्मियों को इस लॉकडाउन से केंद्र सरकार की ओर से पहले ही अलग रखा गया है। लेकिन शनिवार को भिलाड चेकपोस्ट पर प्रमुख प्रभारी ने मीडिया कर्मियों को भी स्क्रीनिंग के नाम पर घंटों कतार में खड़ा रखा और अंत में स्क्रीनिंग की ही नहीं गई। हालांकि बाद में जागरूक टीवी के प्रतिनिधि ने वलसाड जिला कलेक्टर से इस बारे में बात भी की, जिस पर जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओ को संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया और आश्वासित किया कि दोषी कार्मिक के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भिलाड चेकपोस्ट पर जब स्क्रीनिंग के नाम पर लोगों को कतार में खड़ा रखा गया था, इसी दौरान अनेक वाहनों को सेटिंग के माध्यम से सीमा पार भी भेजा गया। चेक पोस्ट पर खुलेआम वाहन धारकों से लेन देन कर उन्हें जाने दिया गया, जबकि स्क्रीनिंग और औपचारिकताओं के नाम पर मीडिया कर्मियों समेत आम लोगों को घंटों कतार में खड़ा रखा गया। गुजरात के वलसाड स्थित भिलाड चेकपोस्ट से जागरूक टीवी प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट।